नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज फ्राइड राइस की रेसिपी जो झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं वेज फ्राइड राइस को कैसे बनाया जाता है। मैंने चावल को जैसे नॉर्मली कुक करते हैं वैसे कुक करके इसे ठंडा कर लिया था और इसे आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। चावल एकदम ओवर कुक नहीं होने चाहिए, एकदम खिले खिले होने चाहिए। तो अब बढ़ते हैं फ्राइड राइस बनाने की तरफ। एक बर्तन में यानी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। अब इसमें हम डाल देंगे तेल के गर्म होने के बाद लहसुन, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। 1 प्याज को मैंने बारीक चॉप करके रखा था उसे ऐड किया है। प्याज पत्ती के जो प्याज होते हैं उसे भी मैंने कट करके रखा है उसे ऐड किया है। अब मैं इसे सबसे पहले डाल रही हूँ गाजर, क्योंकि गाजर को भुनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आप फ्रेंच बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे भी इसी स्टेज पे डाल दें, और अगर नॉर्मल मटर का इस्तेमाल करें तो उसे भी इसी स्टेज पे डाल दें। मैं आगे फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करूँगी तो मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन सबको पकने में थोड़ा वक्त लगता है। 2 मिनट के लिए हमने गाजर को पका लिया है। अब बाकी सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले डाल रही हूँ पत्ता गोभी, करीबन 1/2 कप पत्ता गोभी है। साथ ही डाल रही हूँ शिमला मिर्च। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रोजन मटर, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ फ्रोजन कॉर्न। आप अपनी मनपसंद की सब्जियाँ इसमें से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की आँच हमें एकदम तेज रखनी है और सब्जियाँ क्रंची ही रहनी चाहिए, मतलब इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए, ये गीली गीली सी नहीं होनी चाहिए, बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। हल्के हाथों से चावल ऐड करें ताकि चावल के दाने एकदम टूटे ना। मिक्स करने के लिए आप किसी बड़े स्पैचुला का इस्तेमाल करें ताकि मिक्स करने में आसानी हो। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, साथ ही मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च का भी इस्तेमाल अपने स्वाद के अनुसार करें। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ सोया सॉस, साथ ही 1 टीस्पून में डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, साथ ही 1 टीस्पून में डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है विनेगर। विनेगर की जगह आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और प्याज पत्ती यानी स्प्रिंग अनियन को मैंने इसमें डाल दिया है। जैसा कि आपने देखा, मैंने स्पैचुला बड़ा ले लिया है। गैस की आँच हम तेज रखेंगे और मुझे इसमें शक्कर डालना पसंद है, यानी चीनी डालना पसंद है, तो मैंने 1 टीस्पून इसमें शक्कर भी डाली है। काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम। बस फ्राइड राइस हमारा मिनटों में बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। फ्राइड राइस को हमने सर्व कर लिया है। आप इसे चाहो तो मंचूरियन के साथ भी सर्व कर सकते हो। गर्मा गर्म ये काफ़ी खाने में स्वाद लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक के बटन को ज़रूर से प्रेस करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।